भाइयों और बहनों, खेल के साथ साथ खेत खलिहान के प्रति भी भाजपा सरकार अभूतपूर्व प्रयास कर रही है। किसान के लिए सिंचाई से लेकर कमाई तक के नए नए समाधान तैयार किए जा रहे हैं। हरियाणा में मनोहर लाल जी और उनकी टीम ने किसानों के लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ काम किया है। मुझे बताया गया है कि यहां की जिन नहरों में 20-25 साल से पानी नहीं पहुंच पाया था, वहां भी अब पानी पहुंचने लगा है। साथियों, लोकसभा चुनाव के दौरान हमने कहा था कि सरकार बनते ही हरियाणा के हर किसान परिवार के बैंक खाते में सीधी मदद देंगे। और मेरे हरियाणा के किसान भाइयों बहनों, आप विश्वास कीजिए, हिंदुस्तान के किसानों के हक का पानी, हरियाणा के किसानों के हक का पानी 70 साल तक पाकिस्तान जाता रहा, ये मोदी पानी को रोकेगा, आपके घर तक लाएगा। और मैंने काम शुरू कर दिया है, क्योंकि ये पानी पर हक हिंदुस्तान का है, इस पानी पर हक हरियाणा के किसान का है, राजस्थान के किसान का है। और इसलिए आपके लिए मोदी लड़ाई भी लड़ रहा है। हमने ये भी कहा था कि 60 वर्ष की आयु के बाद छोटे किसानों, खेत मजदूरों को पेंशन की सुविधा से जोड़ेंगे। सरकार बनते ही सबसे पहले यही काम सरकार ने किया। आज हरियाणा के लाखों किसान परिवारों के बैंक खाते में करीब 650 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। वहीं हजारों किसान परिवारों के लिए हर महीने 3000 रुपए की निश्चित पेंशन भी तय हो चुकी है। इसी तरह सिंचाई के लिए हरियाणा में जो काम पहले से चल रहे हैं, उनको अब जल जीवन मिशन से और गति मिलेगी। चरखी दादरी सहित पूरे हरियाणा में जो हमारे पारंपरिक जल स्रोत है, तालाब और झीले हैं, उनको फिर से हमें जीवित करना है। इसके लिए बजट की कोई कमी नहीं है, बस हमें मिलकर एक संगठित प्रयास करना है। साथियों, सिंचाई के साथ साथ पशुओं को होने वाली पैरों और मुंह की बीमारी, फूट एंड माउथ डिसीज भी किसान की एक बहुत बड़ी समस्या होती है। इसके लिए मुफ्त टीकाकरण का एक व्यापक अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत पशुओं को टीका भी लगाया जाएगा, टैग भी लगाया जाएगा और पशुओं का स्वास्थ्य कार्ड भी बनेगा। यानी अब एक तरफ आयुष्मान भारत से हरियाणा के हर गरीब परिवार का मुफ्त इलाज हो रहा है और दूसरी तरफ इस टीकाकरण अभियान से हर एक पशु का मुफ्त इलाज भी तय हो रहा है। किसान भी स्वस्थ रहे, उसका पशुधन भी स्वस्थ रहे। जब ये दोनों स्वस्थ रहेंगे तो गांव की, हरियाणा की, देश की खुशहाली अपने आप सुनिश्चित हो जाएगी।